मैंने पहले लॉट्स परचेज किए हैं, 31 लॉट्स हैं, और मैंने उसको 1985 पे पहला लॉट लिया था। उसके बाद एवरेज करते गए तो लास्ट मेरा जो लॉट है वो 1901 पर भी है। सो अभी लेकिन गोल्ड बहुत नीचे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तोड़ निकाला। हाँ, एक एक्सपर्ट है HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज और करेंसी डेस्क के हेड अनुज गुप्ता साहब जुड़ते हुए। अनुज जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सास बहू के लिए समय निकालने के लिए और मेरे लिए भी। अनुज जी, सवाल सुना आपने चारू मैम का? जी आशीष जी, जी आशीष जी, बिल्कुल। क्या करें भाई, चारू मैम गिरे जा रहा है आपका सोना। देखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, सास बहू के बीच में सोना आ गया है, तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है गोल्ड में वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट आया क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, बट आई एम श्योर कि जो मोमेंटम है गोल्ड का वो कंटिन्यू रहेगा। मेरी सलाह है कि ये होल्ड करके चले अभी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन का डिमांड स्टिल आने वाला है, मैरिज सीजन है, फेस्टिवल है, और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि FOMC इस बार इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए। ये क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे। तो आई एम श्योर कि इनको होल्ड करना चाहिए, और अगर इनका जैसा कि मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाइंग है, तो डेफिनेटली अगर ये ईयर एंड तक होल्ड करते हैं तो आई एम श्योर कि अगेन हम 1950 से लेकर $1980 तक के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। चारू मैम, आंसर सॉल्व हुआ या कुछ और पूछना है आपको अनुज से? नहीं, वो आंसर सॉल्व हो गया, थैंक यू। मैं बिकॉज़ बहुत कंफ्यूजन था कि कितना लॉस में है, अब क्या करना चाहिए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी, आपका भी धन्यवाद। इस नोट पर